बाढ़ का पानी घुसने से दर्जनों गांवों का संपर्क कटा, लोगों में दहशत। बाढ़ के चलते जहां यमुना बेतवा केन नदी का पानी सुमेरपुर विकास खंड के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं चंद्रावल नदी उफान पर होने और सड़क पर पानी आ जाने से सुमेरपुर क्षेत्र से कैथी गांव का संपर्क टूट गया है। बरुआ गांव में बाढ़ का पानी घरों में भर जाने से लोग ऊंचाई वाले स्थानों में शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि जनपद हमीरपुर में अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई कि तालाब भर सके, लेकिन बाढ़ का सामना लोगों को करना ही पड़ रहा है। यमुना बेतवा और अन्य छोटी नदियों का रौद्र रूप देखकर एक बार फिर लोगों का दिल दहल गए हैं। मंगलवार की शाम से नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया कि सुबह होते ही मोहर धुंध पर और कैथी गांव के बीच सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा तो आवागमन ठप हो गया। दोपहर बाद चंद्रावल नदी का पानी मोहर धुंध पर ही सड़कों के ऊपर बहना शुरू हो गया था, जिसे देखकर लोग रात में इधर उधर सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की तैयारी करने में जुट गए। इन गांवों के अलावा चंद्रावल नदी का पानी किसवाही, गौघाट, छानी, भुलसी, गड़ा, बैजेमऊ, भुंडेरा, परेहटा, नरायच, छिमौली, मादरपुर आदि गांवों को डराने लगा है। यमुना नदी का पानी बरुआ गांव में प्रवेश कर चुका है। पानी से कई मकान डूब गए हैं, कुछ कच्चे मकान गिरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। पानी भर जाने से लोग अपनी गृहस्थी लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में ठिकाना खोजने लगे हैं। लोगों के सामने खाने पीने रहने आदि का संकट खड़ा हो गया है। सुरौली, बड़ा कछार, छोटा कछार, पतियौरा आदि गांव के इर्द गिर्द समुन्द्र जैसा नजारा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग घबरा रहे हैं। वहीं बेतवा नदी का पानी जिला मुख्यालय से कुंडौरा गांव तक जा पहुंचा है। सड़क के किनारे और गांव के बाहर पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखकर लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। इस तरह से यमुना बेतवा और चंद्रावल तीन नदियों ने सुमेरपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव के समक्ष एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। बाढ़ का पानी घटता है या बढ़ता है, लोगों की मुसीबत कम होती है या और बढ़ती है, आगे पता चलेगा। राधेश्याम भैया, क्या समस्या रही है यहाँ? बाबू जी, केन नदी की बाढ़ से जो है बहुत परेशानी है, गांव मोहल्ला सब घिरे हैं और हजारों बीघा की फसल भी पूरी नष्ट हो चुकी है और हमें आने जाने का रास्ता भी नाव का सहारा लेकर के पार होते हैं। इधर उधर बड़ी समस्याएं हैं, पूरी फसल तिल का, ज्वार का, अरहर की सब चौपट हो गई। लगभग यहाँ से जो है खैर, बक्षा, छानी, गौघाट, भुलसी, श्रीरामपुर, बैजेमऊ, गढ़ा, 10-12 गांव प्रभावित है। तो अब आपको क्या लगता है कि फसल बिल्कुल चली गई? वो फसल ये रबी की फसल होगी, ये खरीफ की फसल पूरी चली गई वहाँ। अब उसमें आगे क्या होता है भगवान जाने। ये जो तिल है, ज्वार, बाजरा, अरहर सब नष्ट हो चुकी है पूरी फसल, मैं चारा तक की, यहाँ तक कि जानवरों को लिए चारा भी नहीं बचेगा। मना किया है कि नाव नहीं चलानी है जी, तो ये नाव कहाँ से कहाँ तक चल रही है? ये उस पार नहीं नाव जाती, प्रशासन ने मना किया था कि उस पार मत लेके जाना, मगर कुछ मजबूरी है कि डेरा के लोग हैं, जो डेरा बसे हुए हैं तो उसमें नाव चलती है, नाले में मजबूरी है कि नाव ना चले तो लोग आना जाना नहीं बंद हो जाएगा, बाधित हो जाएगी। तो इस बार जो नदी, जो केन नदी है जी, कितना बाढ़ में है? बहुत बाढ़ में, घरों के नीचे भरी हुई है गाँव में। तो इससे कितना नुकसान गांव वालों को हो रहा नुकसान है? नुकसान तो घरों का नुकसान तो नहीं है, मगर खेती का नुकसान है। खेती फसल का नुकसान हो गया, फसल में जो तिल बोए थे वो सब जलमग्न हो गए। राकेश कुमार, ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान है। सर ये बताइए कि अपने क्षेत्र में ये केन नदी बाढ़ पे है, कितना नुकसान किसानों को, ग्रामीणों को हुआ? अपने गाँव में लगभग बाढ़ से प्रभावित खेती है, कुछ नीचे नीचे के मकान हैं जैसे, वो सब लगभग कई हजार हेक्टेयर प्रभावित है। तो कुछ प्रशासन की कोई मंशा जाहिर हुई आपके सामने? नहीं, आते जाते रहते हैं, प्रशासन आता है, कुछ नीचे स्तर के अधिकारी भी आए। मौदहा से अपडेट मीडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।